हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेसन और पालक से बनने वाली रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हो डिनर में। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है, आप इसे डिनर में भी चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म करने रखी है, इसमें हम लोग तेल डालेंगे। तेल की क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम डाले तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तेल का इसमें बाद में भी यूज़ करने वाली हूँ पूरी रेसिपी बनने के बाद। ये रेसिपी मतलब सब्जी ही है जो बेसन और पालक से बनने वाली है। पालक और बेसन के अलावा इसमें जो चीज़ें लगने वाली है बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी चीज़ें हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है तेल में। यहाँ पे मैंने 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है, उसे थोड़ा सा क्रश करके लिया है। इसे आधे मिनट के लिए मैं अच्छे से फ्राई करने होने देना है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ही प्याज लिया है। इस सब्ज़ी में प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी डालें। अब इसमें 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार लें, क्योंकि मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सब्जी का जो कलर रखना है हमें वो ग्रीन और येलोइश रखना है। तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर हम लोग नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर देते हैं। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तेल में हरा धनिया डालने से और फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर देते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तेल में हल्दी पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और तेल का कलर भी बढ़िया सा येलोइश कलर आ जाता है उस पर लेयर। इसे भी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें हम लोग ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करेंगे, बस इतने इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं पालक। मैंने पालक को पहले धो के बाद में इसे कट किया है। हरी सब्जियों को हमेशा धोने के बाद ही कट करना चाहिए, तो उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स कायम रहते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। पालक को हमें अभी ज़्यादा पकाना नहीं है, हम लोग इसे बाद में पकाने वाले हैं। ये जब इसमें हम लोग करी बनाएंगे तो फिलहाल के लिए इतना ही हमें इसे पकाना है। मैंने यहाँ पे बेसन का बैटर बना लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेना है, इसमें 1 भी लम्स नहीं होने चाहिए। लम्स रहेंगे तो करी में भी वो लम्स दिखने रहेंगे, तो बैटर को हमें लम्स पे ही बनाना है, अच्छे से इसे फेंट के ही बनाना है। पालक यहाँ पे हमारा पक चुका है, अब इसमें बैटर हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे। पालक का पानी भी सूख गया और तेल भी छूट गया है। इस स्टेज पे गैस फ्लेम हमें स्लो करना है, क्योंकि हम लोग बैटर डालेंगे तो बेसन का बैटर जल्दी ठीक हो जाता है और नीचे जमने लगता है, तो हम गैस फ्लेम स्लो कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। आपको पानी की क्वांटिटी जितनी चाहिए, करी जितनी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी लें, पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करें। पानी की क्वांटिटी बेसन की क्वांटिटी से 2-3 टाइम्स ज़्यादा ही लेनी होती है, क्योंकि बेसन जल्दी से गाढ़ा होने लगता है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कंटिन्यू हमें लगे रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि बेसन बीच में जम जाता है जल्दी से। अब इसमें नमक डाल देते हैं। नमक मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्वांटिटी कितनी एडजस्ट करनी है। तो अब क्वांटिटी एडजस्ट हो गई है करी की, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नमक डाल देंगे। गैस फ्लेम हमें अभी स्लो ही रखना है। करी हमारी एडजस्ट हो गई है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देते हैं। गैस फ्लेम हमें मीडियम में ही रखना है, चाहे तो आप स्लो पे भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बेसन हमारा गाढ़ा हो गया है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कवर कर लेते हैं, ताकि बेसन की टेस्ट हमें कच्ची ना लगे। पानी की क्वांटिटी आप इसमें फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है तो आप इसे पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं करी को। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकने देते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं। ये अच्छे से करी पक जाए तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है, नहीं तो बेसन का कच्चा सा स्मेल इसमें से आने लगता है। हमारे बेसन पालक की टेस्टी और आसानी से बनने वाली करी यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग पहले स्टेप पे चलते हैं। अब करी के लिए टेम्परिंग यहाँ पे हम लोग रेडी कर देते हैं। टेम्परिंग के लिए मैंने यहाँ पे टेम्परिंग बाउल लिया है, उसमें तेल लिया है और 1 टेबल स्पून जीरा मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो मस्टर्ड सीड भी ले सकते हैं इसके साथ।
जीरा अच्छे से फूल गया है। अब इसमें 4-5 करी लीव्स भी डाल देते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने करी लीव्स भी डाले थे, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे करी लीव्स के टेम्परिंग ऊपर से डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। टेम्परिंग की सहाय से टॉप पे हम लोग डाल देंगे, बाद में इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी पालक बेसन की टेस्टी सी रेसिपी और आसानी से बनने वाली डिश रेडी है। आप इसे चाहे तो चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, फुलके या भाकरी के भी साथ खा सकते हैं। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देते हैं। अगर आप दिन भर की थकी भागी है और आपको डिनर में कुछ ज़्यादा सब्जियाँ बनाने में कंटाला आ रहा है और आप बोर हो गए हैं, तो आप इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं। और गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करके देखें और बना के देखें और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसे लगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।